तो आईपीएल की सबसे चर्चित टीम, बॉक्स ऑफिस टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने फिर एक बार आईपीएल खिताब जीत लिया है। उनका तीसरा आईपीएल खिताब है। ये जश्न की रात के बाद वाला दिन है और इस समय मैं टीम होटल के बाहर हूँ। बहुत जल्द चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को चेन्नई के लिए रवाना होना है जहाँ उनका भव्य स्वागत होना है। देखिए ये टीम बस है और इसमें कुछ चेहरे आप देख सकते हैं, रविंद्र जडेजा, सुरेश रैना, एमएस धोनी, ये उनके पुराने अवतार हैं, लेकिन ये वो खिलाड़ी है जो लगातार चेन्नई के लिए खेलते आए हैं, और हरभजन सिंह जो नया एडिशन है जो मुंबई इंडियंस से चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे। तो नई टीम बनी है लेकिन उनका कोर वही था और उस कोर के इर्द गिर्द सारे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे थे। और इसके टीम की सबसे बड़ी आलोचना ये हो रही थी कि इसमें बहुत ज्यादा बुजुर्ग खिलाड़ी हैं या फिर ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास टायर्ड लेग्स है, लेकिन इसी खिलाड़ियों ने अपने अनुभव के बलबूते पर जीत का रास्ता टीम को पहुंचाया। और कुल मिलाकर ये बड़ा इमोशनल कमबैक भी है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। पिछले दो साल से टीम सस्पेंडेड थी, उनके को ओनर पर बैटिंग के आरोप थे, टीम सस्पेंडेड थी, इसके बावजूद जिस तरीके से टीम ने इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन किया है, हर खिलाड़ी के लिए पॉइंट टू प्रूव था, कप्तान धोनी के लिए पॉइंट टू प्रूव था, कप्तानी में उनकी वापसी थी, पिछली फ्रेंचाइज में उन्हें कप्तानी छीन ली गई थी। तो इस सब के बीच जिस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स ने इस टूर्नामेंट को डोमिनेट किया और सनराइजर्स हैदराबाद जो शायद सबसे बेहतरीन बॉलिंग अटैक था उनके थ्रेट को मिनिमाइज किया और चार बार सनराइजर्स हैदराबाद को इस टूर्नामेंट के दौरान हराया, गजब की बात है। लेकिन एक बड़ी जो मजबूती इस टीम की थी परफॉर्मेंस के साथ साथ फैन सपोर्ट, लोग हर तरफ से चेन्नई मुंबई आ रहे थे, चेन्नई से मैचेस पुणे गई तो पुणे में भी लोग थे, साथ साथ गुजरात से मुंबई लोग आए थे, एक ऑस्ट्रेलिया से फैन भी हमें नजर आए, ये फैन सपोर्ट के बलबूते पर और कुल मिलाकर धोनी और स्टीफन फ्लेमिंग की स्ट्रेटजी के दम पर इस टीम ने वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक सिर्फ मुंबई इंडियंस कर पाई है, तीन बार आईपीएल खिताब अपने नाम किए। बहुत जल्द टीम को यहाँ से चेन्नई में रवाना होना है और चेन्नई में उनका भव्य स्वागत भी होना है।